हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्बल। मैं संजय पंडिता फिर से आपके साथ रूबरू हूँ। नॉर्मली हम बात करते हैं फूड की, हर बार मैं आपके लिए कोई नई डिश लेके आता हूँ, लेकिन आज मैं आपसे एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करूँगा। कोरोना का टाइम है और सेकेंड वेव अभी गई नहीं कि हम पहले ही तीसरी वेव की बात करने लगे हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें। इस पेंडेमिक ने हम सबको इफ़ेक्ट किया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमारे परिजनों के साथ, हमारे जानकारों के साथ डायरेक्टली इफ़ेक्ट हुए हैं और उस वजह से हम सब इफ़ेक्ट हुए हैं कैसे न कैसे। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने आप को तंदुरुस्त रखें। और ऐसे में डॉक्टर्स ने एडवाइस किया हुआ है कि हम अपने लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए प्राणायाम का, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज का प्रैक्टिस करें, ताकि हमारे लंग्स जो हैं वो स्ट्रांग हो जाए। तो जब भी हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज की बात करते हैं तो प्राणायाम ज़रूर दिमाग में सबसे पहले आता है। तो इसलिए आज मैं आपसे बात करूँगा कि प्राणायाम के बेनिफिट्स क्या हैं और व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू कीप इन माइंड फॉर डूइंग प्राणायाम और व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग इट। तभी आपको प्राणायाम करने में अच्छा लगेगा, मज़ा लगेगा और लंबे टाइम के लिए आप इसको कर पाएंगे, जब आप सही नियमों का, सही प्रिंसिपल्स का और सही तरीके से इसको प्रैक्टिस करें। तो ये बहुत ज़रूरी है हम कि कोई भी चीज़ करें तो सही तरीके से करें। और प्राणायाम में ख़ास तौर से ये बहुत ज़रूरी है कि हम बिल्कुल सही तरीके से प्राणायाम करें। नंबर वन, अगर आप सही तरीके से प्राणायाम नहीं करते तो आप इसको लंबे टाइम तक नहीं कर पाएंगे, आप बहुत जल्दी इसको छोड़ देंगे। नंबर टू, अगर प्राणायाम सही तरीके से ना किया जाए तो इट हैज़ द एडवर्स इफेक्ट्स ऑल्सो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी बनता है कि हम प्राणायाम करें लेकिन सही तरीके से करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें प्राणायाम क्यों करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं हमारे लिए। देखिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स तो हमें पहले ही बता रहे हैं कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छी है, हमारे लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो दैट इज़ द अल्टीमेट बेनिफिट। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे फ़ायदे हैं प्राणायाम के जो कि हमें माइंड में रखने चाहिए। नंबर वन, अगर हम प्राणायाम सही तरीके से करें, इज़ अ वेरी गुड टूल फॉर मेडिटेशन। एक्चुअली इट इज़ द मेडिटेशन। और इस तरीके से ये हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, उसके बाद ये हमारी सेहत में काफ़ी अच्छा, बियॉन्ड लंग्स इट गिव्स अस अदर बेनिफिट्स ऑल्सो। ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, उसके बाद ये हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, हार्ट बीट्स है, हार्ट काउंट है आपका, उसको रेगुलेट करता है। रिसेंटली आई हैड बेसिकली बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस मैंने करीब 1 महीने से प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, प्राणायाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, बिकॉज आई वॉज इन ट्रैवल, तो जिस वजह से मैं नहीं कर पाया। और उसके बाद सर्टन रीजंस, तो देयर वॉज अ ग्रैप ऑफ ऑलमोस्ट 1 month। तो वन मॉर्निंग आई व्हेन आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, तो आई हैड अ वेरी स्ट्रेंज फीलिंग। मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे पसीने आ रहे हैं, जबकि इतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। तो मुझे लगा कि बिकॉज़ वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ हाइपर टेंशन, घर में काफ़ी लोगों को ब्लड प्रेशर है, तो वी हैव हेरिडिटरी प्रॉब्लम, और मेरा प्राणायाम की वजह से कंट्रोल्ड है आज तक। तो मुझे कहीं ऐसे डाउट हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो मैंने सोचा अब चलो ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं, बट इट वॉज वेरी नॉर्मल एंड माई पल्स रेट वॉज हाई।
जिसकी वजह से मुझे स्वेटिंग हो रही थी, पल्पिटेशन हो रही थी, तो इट हैड क्रॉस्ड 100। तो मैं इन्हें इमिजिएटली बैठा, मैंने तकरीबन आधा घंटा प्राणायाम किया, और आधा घंटे के बाद मैंने फिर से अपना पल्स चेक किया एंड इट वॉज 85। बिफोर प्राणायाम इट वॉज 100+, और प्राणायाम के बाद इट वॉज 85। सो दिस इज़ द पावर ऑफ मेडिटेशन। ये हमारे पल्स रेट को भी रेगुलेट करता है, हमारे सिट्रस लेवल्स को ये कम करता है। एज ए रिजल्ट बेसिकली क्या होता है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं या एक्साइटेड होते हैं, इन बोथ द केसेस हमारी पल्स रेट बहुत हाई जाती है। तो जब हमारी पल्स रेट हाई हो जाती है तो इट हैज़ एडवर्स इफेक्ट्स ऑल ऑफ कोर्स। तो प्राणायाम मेडिटेशन हेल्प्स इट टू रेगुलेट, इट विल ब्रिंग इट डाउन इमिजिएटली। तो ये आपके पल्स रेट को रेगुलेट करेगा, आपके जो अप्स एंड डाउन हैं, चाहे मूड की वजह से चाहे किसी की वजह से, जो आपकी पल्स रेट्स बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, बिकॉज ऑफ टेंशन, बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स, सो इट विल ब्रिंक डाउन योर स्ट्रेस लेवल्स। जो आपके स्ट्रेस लेवल्स हैं वो एकदम कम हो जाएंगे, यू विल बी अगेन नॉर्मल। बेसिकली क्या होता है कि ए टर्बुलेंट माइंड इज़ नॉट पावरफुल। आप जैसे जानते हैं कि अगर हम पानी में, इट इज़ टर्बुलेंट, इट बिकम्स मडी। सेम इज़ द स्टेट विद आवर माइंड। इफ इन इवेन आवर माइंड इज इन अ टर्बुलेंट स्टेट, इज नॉट पावरफुल, बट वेन इट काम्स डाउन वी हैव बेटर थिंकिंग पावर, बेटर रैशनलाइजिंग पावर, एंड यू नो इट वेरी वेल। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ प्रॉब्लम आती होती है विच वी आर नॉट एबल टू सॉल्व, वी आर वेरी स्ट्रेस्ड, हम काफ़ी जोर लगाते हैं कि ये प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकालें, बट वी डोंट फाइंड एनी सोल्यूशन, वी हम थक जाते हैं, सो वी लीव इट। बट आपने कई बार नोट किया होगा कि एक दिन के बाद या दो दिन के बाद, व्हेन वी आर प्रोबेबली नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट मच, तो सडनली वी कम विद अ सोल्यूशन, हमें एक सोल्यूशन नज़र आता है, अरे यार ये तो ये ऐसे होगा, राइट? इट हैपन्स विद ऑल ऑफ अस। तो दिस इज बिकॉज व्हेन द माइंड वॉज नॉट इन अ काम पोजिशन, वी वेर नॉट थिंकिंग डीपली, सोल्यूशन वॉज लाइंग विद इन अस, बट स्टिल वी कुड नॉट फाइंड इट, एंड विद अ काम माइंड द सोल्यूशन वॉज देयर विद इन आवर सेल्व्स। सो दैट इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। सो इट ब्रिंक्स आवर स्ट्रेस लेवल्स डाउन, मेक्स इज अस अ बेटर पर्सन ओवरऑल। कंटिन्यूस प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम और मेडिटेशन इफ डन विद फेथ गिव्स अस हैप्पीनेस, गिव्स अस एनलाइनमेंट एंड अ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन इन आवर लाइव्स। सो बेसिकली दीज आर द की फैक्टर्स, की बेनिफिट्स ऑफ डूइंग प्राणायाम। जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो सबसे पहले ये इसके व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग इट, कि कैसे प्राणायाम को राइट तरीके से करना है, तो वो बहुत ज़रूरी बनता है। सबसे पहली चीज़ आती है कि हमको कैसे बैठना है। तो वी शुड नॉर्मली सिट विद आवर लेग्स क्रॉस्ड, और अपना प्लेटफॉर्म जो है जहाँ पर हम बैठे उसको थोड़ा सा रेज करें। आप एक पिलो ले लें, एक छोटा सा गदा ले लें, उस पर बैठ के आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करें। यू शुड बी स्लाइटली रेज्ड अबाउ द ग्राउंड लेवल, और उसके बाद वहाँ पे बैठ के आप इसके एक्चुअली द व्हाट इज़ द बिलीफ बिहाइंड दैट, आई विल कम टू दैट। उसके बाद अपनी कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, एकदम सीधी, और चेस्ट को थोड़ा सा आगे, ताकि हम डीप ब्रीदिंग अच्छे से कर सकें, लंबा सांस लें, लंबा सांस छोड़ सकें। तो उसके लिए बिल्कुल कमर सीधी, छाती आगे फैली हुई, एक लाइक ए ब्रेव पर्सन, बिकॉज गॉड वॉन्ट्स अस टू बी हैप्पी। उसके बाद जब पोजिशन ले लें
ज्ञान मुद्रा में लाइक दिस, कीपिंग योर एल्बोज ऑन योर नीज, ऐसे करके अपने आर्म्स को अपने नीज पे रखें. अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो इवन आर्म चेयर्स पे यू कैन पुट, एंड इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं. इस पोजिशन में रहें और उसके बाद अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेट मोशनलेस रखें और काम हो जाइए. काम होने का मतलब, रहने का मतलब ये है कि आप अपनी टेंशन्स, अपने वरीज थोड़ी देर के लिए सब छोड़ दें, उनकी टोपी निकाल के कहीं और रख दें और बिल्कुल वरी लेस, टेंशन फ्री होके काम माइंड के साथ बैठने की कोशिश करें. सारी वरीज, दुनिया की सारे गम निकाल के एक कूल एंड काम माइंड से बिल्कुल बैठ जाएं. उसके बाद डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब आप शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, व्हेन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा व्हिच लीड यू टुवर्ड्स मेडिटेशन. तो वंस यू आर टेकन योर सीट प्रॉपरली, उसके बाद आता है अपने सांस को रेगुलेट करना. तो सांस को रेगुलेट कैसे करना है, आप हमेशा जब भी आप देखेंगे तो सांस हमारा जो है दोनों नॉस्ट्रल से बराबर नहीं होता है. जनरली इन द मॉर्निंग कभी आपका सांस लेफ्ट साइड से ज़्यादा चल रहा होगा, कभी राइट साइड से ज़्यादा चल रहा होगा. यू कैन सी इट इन द मॉर्निंग. तो सबसे पहली चीज़ है कि अपने सांस को हम रेगुलेट करें. तो आप अपने सांस लेके देखें तो एक नॉस्ट्रल से कम आ रहा होगा, एक नाइट से ज़्यादा होगा, या हो सकता है एक नाक बिल्कुल ही बंद हो. तो आप क्या करेंगे, जो नॉस्ट्रल आपका कम सांस ले रहा है या बंद है, आप उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करके लेट जाएं थोड़ी देर के लिए. अगर लेफ्ट वाला बंद है तो राइट साइड होके ले कर करवट होके लेटें थोड़ी देर के लिए और अपने सांस को मॉनिटर करें 2-3 मिनट. आप देखेंगे मैक्सिमम 3-4 मिनट में या उससे भी कम टाइम में आपका जो सांस है वो रेगुलेट हो जाएगा, दोनों तरफ से लगभग बराबर हो जाएगा. सो दैट विल हेल्प यू इन प्राणायाम व्हेन यू आर डूइंग प्राणायाम, क्योंकि सांस दोनों नॉस्ट्रल से होना बराबर आए ये बहुत ज़रूरी है. तो अगर कम सांस का डिफरेंस है तो दूसरी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं कि आप अपने आर्म पिट्स में कोई टॉवेल रैप करके या कोई कॉटन का कपड़ा रैप करके अपने आर्म पिट्स के नीचे ऐसे दबा लें अपोजिट डायरेक्शन में. अगर लेफ़्ट साइड से ज़्यादा आ रहा है, नाक बंद है, तो राइट साइड में टॉवेल डालें और इस तरीके से अपने ये भी आपके सांस को रेगुलेट करने में मदद करता है. सो वंस यू फील कि आपका सांस जो है वो दोनों साइडों से बराबर आ रहा है, नाउ विल डू डीप ब्रीदिंग. तो जब हम ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे तो हम ऐसे सांस लेंगे, फिर ऐसे, फिर राइट नॉस्ट्रल से सांस छोड़ेंगे, फिर छोड़ दिया, फिर राइट साइड से सांस ऊपर लेंगे, फिर राइट साइड से बंद करके, फिर लेफ्ट साइड से सांस छोड़ेंगे. तो इस तरीके से प्राणायाम का सर्कल जो है कंप्लीट होता है. तो प्राणायाम के वक्त हमको सांस लेने का जो प्रोसेस है हमारा, इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन का, तो हमको टाइमिंग जो है इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन की ये बराबर करनी होती है. दैट मींस द टाइम फॉर द इन्हेलेशन एंड टाइम फॉर द एक्सहेलेशन हैज़ टू बी सेम, रेशियो इज़ 1:1. तो फिर आपको इसका प्रैक्टिस करना है कि सांस लिया छोड़ा, लिया छोड़ा. तो इसको बराबर करने के लिए देयर आर वेरियस वेज ऑफ डूइंग इट. आप मंत्र किसी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं. आप जो भी भगवान, जिस किसी की भी पूजा करते हों, जो भी देवता की पूजा करते हों, आप उनका मंत्र ले लीजिए और उसका चांट कीजिए. तो आप इस प्रोसेस को इस तरीके से बनाइए कि एक बार आपने सांस अंदर लिया, एक बार में मंत्र पढ़ा, फिर सांस छोड़ा, फिर से एक बार मंत्र पढ़ा, फिर सांस लिया ऊपर,
फिर से एक बार मंत्र पढ़ा और फिर से छोड़ा और फिर से एक बार मंत्र पढ़ा। तो जो आपकी टाइमिंग जो है सांस लेने की और छोड़ने की, तो धीरे धीरे ये आपके मंत्र पढ़ने की स्पीड के साथ ऐसे मैच कर जाएगी कि आप सांस तेज़ लेंगे तो आप मंत्र तेज़ पढ़ेंगे, आप सांस धीरे धीरे लेंगे तो आप मंत्र भी धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये बिल्कुल जस्ट लाइक आप लीजिए कि जैसे आप ड्राइविंग करते हैं, तो व्हेन यू आर लर्निंग ड्राइविंग हाउ टू ड्राइव, तो आप क्या करते हैं, आपको एक बड़ा कॉन्शियस एफर्ट लगता है कि अब आपको एक्सेलरेटर दबाना है, अब आपको ब्रेक दबानी है, तो यू हैव अ कंसंट्रेटेड एफर्ट ऑन दैट। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो इट बिकम्स एफर्टलेस, ये अपने आप हो जाता है। आप सोचें कि स्पीड कम करनी है तो अपने आप आपका पैर उठ के ब्रेक पे जाएगा, आपको स्पीड बढ़ानी है तो अपने आप आपका स्पीड है जो पैर है वो एक्सेलरेटर पे चला जाता है, यू नीड नॉट टू फोकस ऑन इट। तो इसी तरीके से जब जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो जो सांस लेने और छोड़ने, इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन का टाइम है, ये अपने आप मंत्र की वजह हेल्प से बराबर हो जाएगा धीरे धीरे विद प्रैक्टिस। आप करेंगे तो ये धीरे धीरे आपकी जो टाइमिंग है ये सेम होती जाएगी। और फिर आप जब मंत्र पढ़ते हैं तो धीरे धीरे फिर आपको इसकी टाइमिंग बढ़ानी है। इनिशियली जब आप प्राणायाम करते हैं तो आप जितना भी सांस कंफर्टेबली लंबा ले सकें उतना ले लीजिए और अपने मंत्र को, जाप को उसके साथ एडजस्ट कर दीजिए, उसकी स्पीड मंत्र पढ़ने की, और उसके बाद धीरे धीरे उस प्रोसेस को बढ़ाना है। अगर आप मंत्र नहीं पढ़ना चाहते तो यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 मे बी 20 तक, फिर 20 से नीचे फिर दोबारा काउंट किया एक्सहेलेशन के टाइम। तो इस तरीके से आप कोई भी मेथड ले लीजिए और अपने सांस को, इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन को बराबर कीजिए। तो जो आपकी इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन है धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपने इसको बिल्कुल स्लोली बढ़ाना है। पहले पहले क्या होता है कि जब आप सांस लेंगे हो सकता है कि व्हेन यू इनहेल एंड एक्सहेल को यू मे यू विल प्रोड्यूस सम साउंड आल्सो, अगर आप ध्यान से सुनेंगे जब हम कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे तो यू विल फील सम साउंड फ्रॉम योर नॉस्ट्रल्स व्हेन यू आर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। सो धीरे धीरे इस सांस को इतना स्मूथ और थिन करना है कि आप इस आवाज़ को नहीं फील कर पाएंगे। धीरे धीरे आप इतना स्लो इसको करना है, जो ब्रीदिंग है हमारी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दैट हैज़ टू बी ग्रेजुअली मेड वेरी स्लो विदाउट ब्रेक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, देयर हैव टू बी नो ब्रेक्स इन बिटवीन। आपने सांस लेना है कंटिन्यूएशन में, फिल योर लंग्स फुल, और उसके बाद सांस छोड़ना है विदाउट एनी ब्रेक एंड इन अ वेरी कंटिन्यूस फैशन, एंड मेक दिस प्रोसेस ग्रेजुअली स्लो एंड स्मूथ एंड सटल। तो दैट इज़ वेयर वी हैव टू रीच ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और जब हम प्राणायाम करें, अब सांस पे आ गए, तो हम अब सांस जब प्राणायाम करते हैं हम, तो पहले जब हम सांस को लें तो सपोज नाउ लिया, फिर छोड़ा, फिर लिया, फिर छोड़ा। सो वी हैव टू फॉलो आवर ब्रेथ, अपने ब्रेथ को स्मूथ और कंटिन्यूअस रखते हुए अपने ब्रेथ को एंड टू एंड फॉलो करना है। सांस लेने से शुरू करते हुए पूरा सांस लेने तक, उसके बाद सांस छोड़ना है तो धीरे धीरे फिर से अपने ब्रेथ को फॉलो करना है टू द एंड, एंड अगेन द सेम वे वी हैव टू कीप इट रिपीटिंग, कीप आवर फोकस, कीप फॉलोइंग आवर ब्रेथ एंड टू एंड।
एंड वी हैव टू बी अवेयर ऑफ द गैप्स बिटवीन द टू. प्राणायाम में सांस लिया, हल्का सा गैप होता है, फिर हमने छोड़ दिया. सो ये जो गैप है, वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दीज गैप्स एवरी टाइम. इन प्राणायाम इट इज सेड गॉड लाइज बिटवीन द ब्रेथ्स. तो जब आप सांस लें और छोड़ें, तो जो बीच में जो गैप है लेने और छोड़ने के जो मोमेंट है उसका, उसको बिल्कुल इस तरीके से फॉलो करना देयर दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज गैप्स एवरी टाइम. के बाद जब आप सांस लें तो अपने फेफड़े पूरे डीप ब्रेथ लें और अपने फेफड़ों को लंग्स को पूरा फुल करें. उसके बाद धीरे धीरे छोड़े. जब आप सांस छोड़ते हैं, इज़ अ वेरी प्रिकॉशन दैट नीड्स टू बी टेकन हेयर इज कि जब आप सांस छोड़ते हैं धीरे धीरे, पहले जब आप सांस छोड़ेंगे तो यू विल फील अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर हेयर समवेयर हेयर. उसके बाद और छोड़ेंगे तो आपको गर्दन पे लगेगा, और उसके बाद आपको सेम और छोड़ेंगे तो आपको छाती पे हल्का सा फील हो जाएगा. तो यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप सांस छोड़ते हैं, आपका जो दैट मूवमेंट प्रेशर मूवमेंट है वो छाती तक न जाए, वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा गर्दन या मुँह या मुँह तक यहाँ तक रहे, या ज़्यादा से ज़्यादा गर्दन यहाँ के आसपास रहे. इसके नीचे आप उसको न लें, उतना ज़्यादा सांस न छोड़ें. सांस छोड़ने के बाद अपने पेट लंग्स को ये कीजिए, इन्हें कीजिए और उनको कंप्रेस करने की आपको दबाइए अपने डायाफ्राम को ताकि हवा निकले. लेकिन ध्यान रहे कि आपका जो स्ट्रेस है वो इस लेवल से नीचे ना जाए. क्या होता है कि व्हेन यू आर डूइंग प्राणायाम, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ हीट जनरेटेड इन द बॉडी. समटाइम्स इवन इन द विंटर जो है आपको स्वेटिंग फील होएगी. दिस इज़ वेरी नेचुरल नॉर्मल. तो गर्मियों में और भी ज़्यादा आपको पसीने आएंगे. सो देयर इज़ नथिंग एबनॉर्मल अबाउट इट, दिस इज़ वेरी नेचुरल. लेकिन अगर आप ज़्यादा सांस छोड़ेंगे, इट पुट्स एक्स्ट्रा प्रेशर विच हैज़ सम एडवर्स इफेक्ट्स ऑन योर हार्ट. तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप उस लेवल तक न जाएं जहां पे ये आपके हार्ट को इम्पैक्ट करना शुरू कर दे. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. हेंस कीप इन माइंड दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, रादर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. के बाद आती है बात कंसंट्रेशन की. सो हमको कहां कंसंट्रेट करना है, हमको कंसंट्रेट करना है, दिस इज़ द पॉइंट between your eyes and above the nose. This is the point where जहाँ पर हमको concentrate करना है. तो when you close your eyes, तो try to look or focus at this point. यहाँ पर focus करना आपको, और यहाँ पर focus करके you can imagine anything, concentrate on anything, any god, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनको यहाँ पे करके आप उनको ध्यान में रखते हुए अपना सांस का जो है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है वो शुरू करेंगे, और ध्यान पूरा आपका यहाँ पे हो. इसको नासिकाग्राम बोलते हैं. तो यहाँ पे आप कंसंट्रेट करेंगे, जिस भी आप भगवान को मानते हैं उनको यहाँ पे इमेजिन करते हुए आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिएगा. नाउ क्या होता है कि आवर माइंड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कीप इट एट वन प्लेस, इट कीप्स वॉन्डरिंग. तो अभी इधर है, अभी कहीं और है. तो दिस विल कम विद प्रैक्टिस. आप एक इमेजिन कीजिए कि आप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रन कर रहे हैं, और प्रोजेक्टर पे एक स्लाइड है, आप उसको देख रहे हैं. टिल द टाइम दैट स्लाइड इज ऑन द प्रोजेक्टर यू आर सीइंग दैट, देन यू रिमूव दैट स्लाइड एंड पुट अनदर स्लाइड ऑन टू इट, नाउ यू स्टार्ट सीइंग दैट. सेम वे बिहेव्स आवर माइंड.
इस पे भी एक स्लाइड जाती है, दूसरी स्लाइड आती है, एक स्लाइड आती है, तो इट कीप्स दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कीप्स ऑन रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग एंड वेरी फास्ट. तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट. इट इज एक्चुअली नॉर्मल, इट हैपन्स विद एवरीबडी. तो यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ इट, और आपने इस चीज़ को कंट्रोल में लाना है. यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट वेरी वेल. तो उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, नाउ योर माइंड वांडर्स, ब्रिंग इट बैक. एवरी टाइम यू फील यू आर वांडरिंग हियर एंड देयर, तो दोबारा से एकदम से अपनी स्लाइड चेंज कीजिए और वापस आ जाइए. फिर थोड़ी देर के बाद योर स्लाइड विल चेंज, पुट इन बैक द सेम स्लाइड, गेट इन बैक द सेम स्लाइड, और फिर से उसी पे फोकस कीजिए. तो विद प्रैक्टिस, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, ये चीज़ आपकी ठीक होती जाएगी. तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करते करते इसको करेक्ट करते जाएंगे. तो जो प्राणायाम करने का टाइम है, जैसे मैंने बताया कि जब हम सांस इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो वी आर फोकसिंग फॉलोइंग अवर ब्रेथ एंड टू एंड, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, फॉलो इट एंड टू एंड एंड कंसंट्रेट ऑन द गैप्स बिटवीन द टू, एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ ईच गैप. एवरी टाइम यू इनहेल एंड एक्सहेल एंड देन इनहेल एंड देन एक्सहेल, और ईच गैप यू शुड बी अवेयर ऑफ. तो एक्चुअली इसी तरीके से जो प्राणायाम का सही टाइम, मेडिटेशन का जो सही टाइम माना जाता है, दैट इज व्हेन इट इज नाइदर डे नॉर नाइट. सो दैट मींस द राइट टाइम ऑफ फॉर द मेडिटेशन इज एदर अर्ली मॉर्निंग एट द टाइम ऑफ डॉन, व्हेन इट इज नाइदर डे नॉर नाइट, एंड इन द इवनिंग एट डस्क, व्हेन इट इज नाइदर डे नॉर नाइट. So this is the best time to practice. Number one. Number two, चूंकि as per the belief ये माना जाता है कि this is the best time, so it ये भी माना जाता है कि जो हमारे अभी आजकल भी जो ऋषिज हैं, मुनीज हैं, वो भी इसी टाइम पे प्राणायाम करते हैं. तो इसलिए हमारे लिए भी काफ़ी अच्छा होता है कि अगर हम इसी टाइम पर प्राणायाम करें, जो हमारी मेडिटेशन है उसकी पावर बढ़ जाती है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है एयर में दैट इज़ फिल्ड विद द मेडिटेशन लेवल्स ऑफ द ऋषिज ऑल्सो. सो दैट इज़ एक्चुअली द टाइम व्हेन यू शुड ऑल्सो बी डूइंग प्राणायाम. और धीरे धीरे हमने अपने सांस को बिल्कुल स्मूथ बनाना है, बिल्कुल थिन बनाना, धीरे धीरे छोड़ना है, धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है, और इस प्रतिक्रिया को काफ़ी स्मूथ बनाना है. तो धीरे धीरे हमारे साथ, आपके साथ, जब आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप इसमें प्रोसेस में परफेक्ट होते जाएंगे, तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी व्हेन यू आर सो मच कंसंट्रेटेड इन दिस प्रोसेस कि अगर आप, इफ यू आर डूइंग इन द राइट वे, तो यू आर फॉलोइंग योर ब्रेथ एंड टू एंड, कंसंट्रेटेड हियर, द स्टेज कम्स व्हेन यू आर ब्रीदिंग, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, यू आर अवेयर ऑफ योर एनवायरनमेंट बट यू आर नॉट अफेक्टेड बाय इट. आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, यू मे बी अवेयर, यू मे बी लिसनिंग द साउंड्स अराउंड यू, लेकिन यू डोंट गेट अफेक्टेड इट बाय इट. आप उससे, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, यू प्रोबेबली आर अवेयर ऑफ इट कि ये हुआ ये हुआ, बट यू, इट विल बी इन द सबकॉन्शियस माइंड. अगर मैं बोलूँ तो यू आर अवेयर ऑफ इट बट यू आर नॉट अफेक्टेड इन एनी वे. आप अपनी प्रोसेस से हिलेंगे नहीं, और इसको कंटिन्यू करते जाएंगे. बेसिकली ये स्टेज ऐसी मानी जाती है व्हेन यू आर फुली कंसंट्रेटेड इन मेडिटेशन, व्हेन यू आर नाइदर अवेक नॉर स्लीपिंग. और आपने प्रैक्टिकली भी ये देखा होगा कि जब आप आधी नींद में होते हैं या हल्की हल्की नींद में होते हैं, आप
यू आर नाइदर इन स्लीप नॉर अवेक. यू नो वॉट इज हैपनिंग अराउंड यू बट यू आर लीस्ट बॉदर्ड. आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. प्रॉबेबली थोड़ी देर के बाद आप भूल भी जाएंगे कि क्या हुआ था. दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग वट हैपन्स वट विल यू वट यू विल एक्सपीरियंस इन प्राणायाम. यू आर नाइदर अवेक नॉर स्लीपिंग aware of what is happening around you but untouched. So that is where you have to reach by practicing it again and again and make it a process and a routine. और जब आप regularly प्राणायाम करेंगे, ट्रस्ट मी यू विल बी सो हैबिचुअल ऑफ इट. आपको इसका इतना मज़ा आएगा कि अगर आपको किसी दिन किसी वजह से मिस होता है, यू विल फील बैड अबाउट इट. आपको लगेगा यार आज कुछ मिस किया मैंने. दिस इज सच ए वंडरफुल एक्सपीरियंस आफ्टर यू प्रैक्टिस इट इन अ राइट वे एंड यू स्टार्ट. इनिशियली येस, इनिशियली यू मे नॉट फाइंड इट दैट आपको डिफिकल्ट भी लगेगा. तो इनिशियली यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, कंसनट्रेट, focus on your breath inhalation and exhalation, follow it on end to end, keeping aware of the gaps, your mind, your this thing focused over nasika gram jisko bolte hain hum, yahan pe focus karke rehna hai and you will reach, if done perfectly, aap iska bahut aanand aayega. जो नेक्स्ट चीज़ है प्राणायाम में या हमारी मेडिटेशन में, हमारे ग्रंथों के अनुसार, जो अब हमको यहाँ पे कंसंट्रेट करना है, हमारे इफ़ यू फील नो द मेडिटेशन प्रोसेस, उसमें क्या होता है कि हम जो पूजा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, देर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट. एक होता आकार, एक होता निराकार. निराकार मींस शेपलेस एंड आकार मींस शेप. तो निराकार पे फोकस करना इनिशियली बहुत मुश्किल होता है. तो हम व्हेन वी आर इन द इनिशियल स्टेज, तो हम आकार पे ही फोकस करते हैं. तो यहाँ पे हम जिस भी भगवान की, जिस भी को हम पूजते हैं, मानते हैं, हम उनको यहाँ पे रख के हम मेडिटेट करेंगे. सो दैट इज़ आकार. तो धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस रिफाइन होती जाएगी, देन फ्रॉम आकार दिस हैज़ टू गो टू निराकार. तो आप धीरे धीरे फिर निराकार पे फोकस करेंगे. अब निराकार पे फोकस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो निराकार पे फोकस करने का मतलब है, आप यहाँ पे एक लाइट को इमेजिन कर कीजिए. फील द प्रेजेंस ऑफ हैलो ओवर हेयर. वो आप कैसे कर सकते हैं? इनिशियली आप जैसे एक दिया जलाते हैं, तो दिए की जो लो होती है उस पर आप कॉन्स्टेंटली थोड़ी देर के लिए देखिए, और जो दिए की लो है आप आंखें बंद कीजिए. मतलब आपने दिए की लो को जो है आंखों में बंद कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे उसको, जब आपने आंखें बंद की तो यहाँ पे उसको आप देख पाएंगे उसको. इट विल हैपन विद प्रैक्टिस. उसके बाद जब धीरे धीरे आप उसको करेंगे, उसके बाद यू कैन ग्रेजुअली मूव ऑन टू, आप जब सवेरे उठते हैं, व्हेन द अर्ली सन इज जस्ट राइजिंग, तो आप उसको दोपहर के बाद या डे में आप सूरज की तरफ नहीं देख पाएंगे. तो बेस्ट टाइम इज अर्ली मॉर्निंग, लुक टूवर्ड्स द सन इन कंटिन्यूशन फॉर सम टाइम, और उस लाइट को, जो वो एक तेज़ हैलो है, उसको अपनी आँखों में बिठा के, और यहाँ पे जब आप आँखें बंद करते हैं, तो अगेन ब्रिंग इट हेयर. सो एंड ग्रेजुअली मूव फ्रॉम आकार टू निराकार एंड मूव टू दैट लाइट. वी हैव टू कीप आवर माइंड बैक स्ट्रेट, और उसके बाद हम अपने माइंड को बिल्कुल शांत करके बैठना है. हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल ही कूल एंड काम हो. ये कैसे पॉसिबल है? जब हम थोड़ी देर के लिए अपनी वरीज, अपने
दिन के कामों के इधर उधर के सारे गम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और बिल्कुल प्राणायाम के लिए एकदम कंसंट्रेट होके बैठ जाएं। सो उसके बाद हमने क्या करना है, वट एवर वे वी पोस्चर वी पुट, चाहे हम कुर्सी पे बैठें चाहे हम क्रॉस लेग करके कहीं बैठें, तो हम बिल्कुल स्ट्रेट करके पोजीशन, बैक स्ट्रेट करके और गर्दन सीधी करके हम प्राणायाम करना शुरू करेंगे, लीविंग अवर बॉडीज बिल्कुल काम विद काम माइंड। माइंड को वी हैव टू ब्रिंग इन हार्मनी विद पीस एंड लव। तो उसके बाद जब हम प्राणायाम करते हैं ने शुरू बैठते हैं, तो लाइक वी सिट लाइक दिस, तो अब हमने सांस लिया, कंसंट्रेटिंग हेयर, जितना सांस वी हैव फिल्ड आवर लंग्स फुल, उसके बाद सांस धीरे 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 फिर से छोड़ा, मंत्र पढ़ते हुए एंड कंसंट्रेटिंग हेयर। फिर हमने धीरे 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 सांस लिया जितना हम ले सकते हैं, फिलिंग आवर लंग्स फुल, कंसंट्रेटिंग हेयर, फॉलोइंग आवर ब्रेथ कंटिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी दिस, सांस की स्पीड भी बिल्कुल एकदम कांस्टेंट, बिल्कुल स्लो एंड स्टडी विद नो जर्क्स इन बिटवीन, वेरी स्पीड हैज़ टू बी मेंटेन्ड, वेरी कांस्टेंट, स्मूथ एंड स्टडी एंड वेरी सटल। तो इनिशियली व्हेन यू ब्रीद यू मे ब्रीद स्लाइटली फास्टर, तो आपको एक साउंड सुनाई, अपने सांस की साउंड सुनाई देगी, तो विच यू हैव टू ग्रेजुअली ब्रिंग डाउन एंड इंक्रीज योर टाइमिंग, टू मेक योर ब्रेथ स्मूथ सटल एंड थिनर एंड इंक्रीज द टाइमिंग। तो जब आप इनहेल करते हैं तो इमेजिन नाउ, जब मैंने कहा था कि एक आसन लगा के बैठें, तो इमेजिन यू आर स्लाइटली अबव द ग्राउंड लेवल ऑन अ टॉप, नाउ इनहेलिंग, और व्हेन यू इनहेल, जब आप सांस अंदर लेते हैं, तो इमेजिन यू आर इनहेलिंग द ब्लेसिंग्स द हैप्पीनेस गिवन बाय द गॉड, गॉड्स गिफ्ट, आप इनहेल कर रहे हैं, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, यू आर गिविंग दो दैट हैप्पीनेस, स्प्रेडिंग दैट हैप्पीनेस दैट जॉय इन द वर्ल्ड। सो जब आप सांस लेते हैं तो आप यू आर ब्रीदिंग इन द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, यू आर ब्रीदिंग इन द हैप्पीनेस, द अल्टीमेट हैप्पीनेस यू आर, एंड व्हेन यू एक्सहेल Actually, you are giving away that happiness, you are giving away those blessings to others. So keep that thing in mind when you are doing pranayama. That is the ultimate basic principle behind pranayama. क्योंकि हमारा मानना ये है कि हम सब में आत्मा है और भगवान परमात्मा है, परम आत्मा परमात्मा है, तो हमको अपनी आत्मा को इस कदर ऊंचा उठाना है कि हम भगवान के करीब हो जाएं। तो ट्रीट अदर्स द वे यू लाइक योर सेल्फ टू बी ट्रीटेड, और गॉड यू विल लाइक गॉड टू बी गॉड टू ट्रीट यू। तो इस तरीके से अपने आप को बिहेवियरल चेंज करना है, दैट यू आर इमेजिनिंग डेली that you have breathed in the blessings of the God, the happiness given by the God, and now when you exhale you are distributing that in the world irrespective of anybody whosoever it may be. Jab aap pranayam meditation karte hain, you don't have any enemies, you don't have anybody whom you don't like. So that is the basic principle. Aap shant man mein tabhi reh sakte hain when you leave all the grudges aside, all the worries aside, all the grudges aside, there is nobody whom you call enemy, all are atma.
we have to perfect this process in such a manner. Then our meditation will be very strong and we will be deeply involved into it, and our meditation will get better every day. As we practice it, it will get refined, it will get more and more better. Ye tha about pranayam. Now we will do, ab main aapke samne baithta hu aur hum pranayam ikatthe karenge, which will give you a feel actually how to do it. Perfect time hai pranayam karne ka. तो अभी आप पीछे से बैकग्राउंड में चिड़ियों की आवाज़ भी सुन सकते हैं. तो मैं इस तकिए को यूज़ करता हूँ बैठने के लिए. तो ये तकिया मैंने लिया और तो इस तरीके से आई सिट विथ माय क्रॉस लेग्स और अब मैं पोजीशन में लाता हूँ. कमर सीधी, अपराइट स्ट्रेट और ईस्ट को फेस कर. तो हमारा सांस एक अब इक्विलिब्रियम हो गया है. जब मैं सवेरे उठा था तो मेरा सांस लेफ्ट साइड से तेज़ था और राइट साइड से कम था. तो मैं लेफ्ट साइड से थोड़ी देर लेट के अपने सांस को पहले इक्विलिब्रियम किया. अब हम जब भी करते हैं तो मेडिटेशन करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का नाम लेते हैं. तो पहले गणेश जी को हम प्रणाम करेंगे. ओम शुक्लम वर्णम विष्णम शीश वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वर्णम द्याहे भूतो श्री गणेशाय नमः. तो हम ये मानते हैं कि गणेश जी का जो चेहरा होता हमेशा खुश रहता है. तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी खुशी मिले और हमेशा खुश दिखें, हमारे चेहरे पे हमेशा खुशी हो, मुस्कुराहट हो. उसके बाद हम अपने गुरु, जिसको भी मानते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. और उसके बाद हम अब मेडिटेशन के लिए तैयार हो गए. अब हम जिस भी मंत्र का जाप करना चाहें, और जो लोग मंत्र का जाप नहीं करते हैं वो किसी और चीज़ को ध्यान करें, और हमारा ध्यान नसिका ग्राम पे रहेगा. अब हम कमर सीधे अपसाइड स्ट्रेट जैसे बोला है और गर्दन सीधी. और पहले जो सांस लेना हम बंद करेंगे, ये राइट साइड से नॉस्ट्रल को दबाएंगे और हल्के से यहाँ पे दबाना है ताकि यहाँ से एयर पास ना हो सके. और हम लेफ्ट साइड से सांस लेंगे, पूरा फिल करेंगे. उसके बाद यहाँ ऐसे ये उंगलियों दो उंगलियों से ऐसे यहाँ लेफ्ट साइड से दबाएंगे और राइट साइड से सांस को छोड़ेंगे. ऐसे सांस ऊपर लेंगे और हमने लंग्स को फुल करेंगे और उसके बाद ऐसे फिर से वापस राइट साइड से को दबाते हुए लेफ्ट साइड से सांस छोड़ेंगे. तो इस प्रोसेस को हमने रिपीट करना है अब, और अपने सांस को एंड टू एंड फॉलो करना है. तो जब है ऐसे पेट अंदर और लूँगा तो फिर मैं सांस ऊपर लूँगा लेफ्ट साइड से, फिर राइट साइड से छोड़ दिया, फिर राइट साइड से ऊपर सांस लिया और लेफ्ट साइड से छोड़ दिया. सांस को बिल्कुल एंड टू एंड फॉलो करना, सांस लेना और छोड़ना बिल्कुल जितना भी आप स्लो कर सकें उतना करें, और स्मूथ करें बिल्कुल स्मूथ एंड स्लो, और जितना लंबा कर सकें उतना करें धीरे धीरे करते हुए, और धीरे धीरे फिर उसको टाइम बढ़ाएंगे आप. और मंत्र का जाप करते हुए जिसको भी आप करेंगे वो आपको ज़ोर से नहीं पढ़ना है, सिर्फ अपने मन में दोहराना है, अपने मन में पढ़ना है. और अब हम ऐसे तो हम शुरू करते हैं अब हम प्राणायाम मंत्र के साथ में. तो आप भी कीजिए. तीन चार चीज़ें जो महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, जिनका आप ध्यान देंगे शुरू में, सांस लेना और छोड़ना इसको पूरा फॉलो करना है, ध्यान यहाँ पे
जिस भी भगवान को आप मानते हैं, और सांस लेने और छोड़ते समय आप मंत्र का जाप करेंगे या जाबी करेंगे या चाहे काउंटिंग करें, और जो है हम इनहेल और एक्सहेल को बराबर करेंगे, सांस लेना और सांस छोड़ना बिल्कुल बराबर करेंगे, टाइमिंग बिल्कुल बराबर हो, और जो इन बिटवीन ब्रेक होता है सांस लेने में सांस छोड़ने में उस पर भी फोकस करेंगे, और सांस को एंड से एंड तक कम्प्लीटली फॉलो करना है कि हमारा पेट भरा, सांस लिया, पेट को छोड़ दिया हमने, और उसके बाद फेफड़े फुल हो गए, उसके बाद फिर ब्रेक हुआ, फिर धीरे 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 हमने वापस से फिर से सांस छोड़ दिया, और यहाँ तक जब गले तक हमारा वो जो पॉइंट है वहीं तक छोड़ना है, और छोड़ दिया, उसके बाद फिर से सांस लिया, और इसी तरीके से हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो कोशिश करते हैं 27 बार हम प्राणायाम करें ताकि 108 टाइम्स का रिपीटिशन हो, चार्ट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हमारा चांटिंग 108 टाइम्स शुरू ख़त्म हो जाता है तो हम शांति पाठ पढ़ेंगे सबके लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे ओम शांति शांति शांति। तो एंड में हम सबकी शांति और सबसे
के लिए प्रार्थना करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ और आपको पूरे तरीके से समझ आया होगा कि व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग प्राणायाम एंड मेडिटेशन और कैसे करना चाहिए। तो इस वीडियो को बार बार देखें, जब तक आपको इसका एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मैं आपको ब्रीफली बता दूं किन किन चीज़ों का फॉलो करना है। यहाँ पे आपका ध्यान सांस इक्वल और जिस भी गुरु को आप मानते हैं उनको यहाँ पे सांस को एंड से एंड फॉलो करना है। सांस लिया, रुके, छोड़ा, फिर लिया, रुके, छोड़ा। तो इस तरीके से एक प्राणायाम है, सांस को एंड से एंड फॉलो करना है। और जो सांस जहाँ पे एक ख़त्म हुआ और दूसरा शुरू हुआ, उन गैप्स को भी हमने ध्यान में रखना है, उन पे भी फोकस होना चाहिए। वी डोंट हैव टू मिस देम। वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हम सब, खासकर वर्किंग लोग जो हैं, अपने टेंशंस अपन को दूर करें और एक हेल्दी और अच्छी लाइफ जिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।